दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सब लोगों का और एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज WhatsApp की 3 ट्रिक के बारे में आपको बताऊंगा। मतलब 3 ऐसे ट्रिक आपको बताऊंगा जो करने से आपको फ़ायदा होगा। दोस्तों, आप सभी तो जानते होंगे कि जब कोई आपको मैसेज भेजता है, वो मैसेज अगर आप खोलते हैं तो उसको ब्लू टिक आ जाता है। दोस्तों, अगर हम ऐसे ट्रिक अपनाएंगे तो ये ट्रिक फॉलो करने से किसी को पता ही नहीं चलेगा कि आप उनको मैसेज देखे हैं कि नहीं। तो जैसे कि एक मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। ये WhatsApp ओपन कर लिया, मान लीजिए कि एक मैसेज भेज रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। जैसे कि ये मैसेज, अब देखिए इसको मैं सेंड हाई टाइप करता हूँ और इसको सेंड कर देता हूँ दोस्तों, और ये सेंडर के पास चला जाता है। तो देखिए दोस्तों, ये अगर मान लीजिए ये मैसेज आया, उसको हम पढ़ लिया, तो देखिए मैसेज जो सेंड किया था उसके पास ये चला जाएगा। देखिए दोस्तों, ये ब्लू टिक आ गया। तो दोस्तों, ये ब्लू टिक अगर हम हटाना चाहते हैं तो कैसे हम करेंगे? तो दोस्तों, इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें ये 3 डॉट पे जाना है। सॉरी दोस्तों, हमें ये 3 डॉट पे जाना है और सेटिंग्स पे जाना है, और हमको अकाउंट पे जाना है और सीधा प्राइवेसी पे जाना है। वहाँ देखिएगा रीड रेसिपिएंट एक ऑप्शन है, हमें सिर्फ उसको ऑफ कर देना है। ये ऑन था दोस्तों। अब आप देखिए, इसमें से हम मैसेज सेंड करते हैं, उसी नंबर पे मैसेज सेंड करते हैं। चलिए हाय दोबारा टाइप करते हैं और इसको सेंड कर देते हैं। देखिए दोस्तों, ये मैसेज भी चला गया और हम उसको पढ़ के दिखाते हैं। देखिए मैसेज आ गया, हम इसको क्लिक करते हैं और देखिए इन्हें मैसेज खोल के हमने पढ़ लिया। तो देखिए दोस्तों, फिर से हम जाते हैं WhatsApp पे। अब देखिए दोस्तों, इसमें ब्लू टिक नहीं आया। तो दोस्तों, और एक ट्रिक के हम बारे में हम बताएंगे। दोस्तों, अगर हम चाहे तो हम कब ऑनलाइन थे इसे किसी को ना पता चले, तो इसके लिए क्या करना होगा दोस्तों, सीधा वही 3 डॉट पे जाना होगा, सेटिंग्स पे जाना होगा, अकाउंट पे जाना होगा और देखिए प्राइवेसी पे जाना होगा। देखिए यहाँ लास्ट सीन बोल के एक ऑप्शन है दोस्तों, इसे हमें सिर्फ क्लिक करना होगा और 3 ऑप्शन में से नीचे वाला नो बॉडी इसको सिलेक्ट करना होगा। जैसे कि हम बीच में है माई कॉन्टैक्ट्स, आपकी फ़ोन में जितने सारे कॉन्टैक्ट्स है व्हाट्सएप में वही सिर्फ देख पाएंगे आपका लास्ट ऑनलाइन थे। तो चलिए हम नोबडी कर देते हैं और इसको रहने देते हैं, और कोई भी आपको नहीं देख पाएगा आप कब लास्ट ऑनलाइन थे दोस्तों। और ये लास्ट ट्रिक आपको बताऊंगा दोस्तों, आप जानते ही होंगे, जब किसी को आप फ़ोटो भेजते हैं या फिर किसी ने आपको फ़ोटो भेजते हैं तो वो अपने फ़ोन के गैलरी के पास चला जाता है, फ़ोन की गैलरी के अंदर डाउनलोड हो जाता है ऑटोमेटिकली। दोस्तों, अगर ये आप चाहते हैं तो ये आप कैसे करेंगे? दोस्तों, फिर से हमें 3 डॉट पे जाना होगा, सेटिंग्स पे क्लिक करना होगा और देखिए नीचे एक ऑप्शन है चैट्स, हम इसको क्लिक कर देते हैं और देखिए नीचे एक ऑप्शन है मीडिया विजिबिलिटी, हम इसको सिर्फ ऑफ कर देते हैं। दोस्तों, ये करने से जो फ़ोटो आपके फ्रेंड आपको भेजता है वो आपको गैलरी पे नहीं आएंगे, ठीक है दोस्तों। और ये सब सेटिंग्स कर देने से आपको WhatsApp का एक्सपीरियंस और बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, ये थे छोटे वीडियो आपके लिए। आई होप ये वीडियो आप सबको अच्छा लगे हैं। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।